हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये है खरबूजा यानी कि मस्क मिलन। तो इसको मैंने बीच से काट लिया है। तो ये जो है इसके बीच में जो गूदा है, बीज वाला हिस्सा इसका है, इसको मैं निकाल लूँ, हटा दूँगी। ये इसके गुद्दे को मैंने हटा दिया है। इसका मैं बाद में कुछ करूँगी, बीज निकालूँगी इसका। इसको भी अलग कर देती हूँ, उसको खाया नहीं जाता है। अब मैंने खरबूजे की फाँकें बना ली हैं। तो इसको या तो ऐसे फाँक भी खाया जाता है, लेकिन मैं बनाऊंगी इसका फालूदा। तो इसका जो पिछले वाला छिलका होता है बहुत मोटा होता है, तो इसको निकाल लेना है। तो मैं इसको निकाल रही हूँ काट करके, ये अंदाजे से इतना मोटा छोड़ करके, ये इसको ऐसे करके काट लेना है। तो ये इसका छिलका, मोटा मोटा छिलका ये अलग हो जाएगा, इसको काट लेना है। चाहे तो उल्टे तरह से भी काट सकते हैं इसको, एक मार्जिन ले लें कि कितना मोटा काटना है, उतना ही मोटा इसको काट लें। सामने से काटने में आसानी रहती है, बहुत इसका स्किन मोटा होता है, तो मुझे तो सामने से ही काटने में आसानी होती है, पीछे से आइडिया नहीं मिलता है। तो इस तरह से इसको काट लिया है, ये छिलका अलग हो गया और ये हो गया खरबूजा। ये जो खरबूजा है ये लौकी ककड़ी के ही ख़ानदान का है, और इसमें विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स बहुत रहता है इसके अंदर, और ये जो है ठंडी तासीर होती है इसकी। तो मैं इसका फलूदा बनाने जा रही हूँ, तो इसको मैं इस तरह से करके महीन महीन काट लूँगी इसको। तो ये मैं इसको जब तक पूरा कटता है तब तक मैं कुछ बता देती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी होता है, फॉलिक एसिड होता है। ये जो आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये वज़न भी घटाता है, ये जो है पाचन तंत्र के भी स्वस्थ करता है, आँखों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, और कैंसर के खतरे को भी कम करता है। और इसमें चूँकि मिठास नहीं होती है, तो ये डायबिटीज़ के रोगी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद है। और इसमें जो है ये स्किन में खुजली वगैरह होती है, दिनाए होता है, एक्जिमा होता है, इसको खाने से वो सारा ठीक हो जाता है। तो खरबूजा मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें जो है थोड़ा सा स्वाद के अनुसार चीनी मिला देना है, और मिक्स करके इसमें बर्फ़ की डाइस मिला देनी है, और चाहे तो थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी फालूदा बन के हो गया है तैयार।